इस समय पूरे देश में राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान जोरों पर चल रहा है। इसी कड़ी में प्रतापगढ़ में श्री राम मंदिर निर्माण के निमित्त आगामी निधि समर्पण संकल्प यात्रा का आरंभ करते हुए पूर्व विधायक ब्रजेश मिश्रा सौरभ ने मां चंद्रिका देवी धाम का आशीर्वाद लिया, साथ ही स्थानीय लोगों से बातचीत की और मंदिर निर्माण में आस्था स्वरूप योगदान करने की अपील की। ब्रजेश मिश्रा के इस उत्तम कार्य की स्थानीय लोगों ने सराहना की और उत्तर प्रदेश में रामराज्य स्थापित करने के इस आयाम को उत्तम कदम भी बताया। लोगों ने कहा कि हमारे राष्ट्रवासी श्री राम के चरित्र से पूर्णतः प्रेरित हैं। स्थानीय निवासी रजनीश ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम में उनकी दृढ़ आस्था है और जब से विधायक ने इस यात्रा का आरंभ किया तब से वे स्वयं प्रेरित होकर अपने समाज के लोगों में भी आस्था के प्रति विचारों को संवाद कर रहे हैं। 2 रुपए हम दान दे रहे हैं मंदिर के नाम पे। विधायक जी हमारे हैं विजय सौरभ जी, उनके प्रतिनिधि हैं। हम 100 रुपए मतलब कौन से मंदिर के लिए दान दे रहे हैं? अयोध्या में जो मर गए। अयोध्या मंदिर के लिए अपनी स्वेच्छा से आप दे रहे हैं? अपनी मर्जी से दे रहे हैं जी। हाँ, हम तो हमने मंदिर में दान दिया है 1000 रुपए का भगवान के नाम से, और भगवान को हम सब भी मानते हैं, पूरा हिंदू धर्म मानता है, और मंदिर बन रहा है। कहाँ पे? अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है। क्या करते हैं आप? हम तो फर्नीचर काम करते हैं। ये रैली नाम ना देख करके इसको हमने राम मंदिर अभियान में धन संग्रह पदयात्रा के रूप में इसको प्रारंभ किया है, और माँ चंडिका धाम बहुत ही ऐतिहासिक और हमारी शक्तिपीठ है, यहाँ से हमने ये प्रारंभ किया। घर घर हम जहाँ जहाँ पर पहुँच पा रहे हैं वहाँ पर भगवान प्रभु श्री राम का संदेश लेके जा रहे हैं कि मंदिर निर्माण के लिए जो भी स्वेच्छा से प्रसन्नता से श्रद्धा पूर्वक जो भी धनराशि अर्पण करना चाहते हैं करें, और मैं देख रहा हूँ बहुत ही जोश के साथ बड़ी प्रसन्नता के साथ लोग आगे बढ़ कर के अपना समर्पण दे रहे हैं, यह अच्छा लग रहा है। इस दौरान विधायक ने घर घर और दुकान दुकान जाकर राम मंदिर निर्माण के लिए निधि एकत्रित की। ब्रजेश मिश्रा ने स्थानीय लोगों से बातचीत की और कहा आप सभी योगदान ईमानदारी एवं निष्ठापूर्वक दीजिए।